दोनों भाइयों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिंदगी नरक कर दूंगा इन दोनों भाइयों की, छोड़ूंगा नहीं। यार मैं खाना टाइम से खा लूंगा, फोन रखो, मैं काम कर रहा हूं अभी। रिव्यु हाँ चलो भाई। नीरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो नीरज की मौत दिल और दिमाग दोनों के एक साथ रुकने से हुई। यार ये कैसे पॉसिबल है? दिल और दिमाग दोनों एक साथ कैसे रुक सकते हैं? पाइथन पाम कौन सा बाम? पाइथन पाम। अरे अरे ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? सर ये कह रहे हैं कि पाइथन पाम से भाई दबे। अरे केडी तुम यहाँ कैसे? मैं वो सूरज केमिकल्स के वारंट के सिलसिले में आया था। क्या बात है आजकल अंतर्राष्ट्रीय अतिथि तेरे यहाँ हाजिरी भर रहे? हेलो, आई एम केडी पाठक। कोनिचिवा। विचित्र बात है, मेरे गुड आफ्टरनून का जवाब भी नहीं दिया। पता नहीं यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा था पाइथन बाम। वैसे केडी एक बड़ा ही अजीब सा केस है, जिसने हत्या की है वो एक टाइम पे कराटे चैंपियन था। तुम ये देखो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ये तो एक साथ दिमाग और दिल के नस बंद हो गए। ऐसा तो तभी संभव है जब बड़ी सफाई से नसों को दबाया जाए। नहीं, साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। केडी सर मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने नहीं मारा नीरज। विनीत मैं तो ये सोच रहा हूं कि क्या यह संभव है किसी को इस प्रकार से मारना? क्या पाइथन 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 पाम? केडी सर पाइथन पाम कराटे की एक बहुत ही पुरानी भूली बिसरी टेक्निक है। तुम्हें यह आता है पाइथन पाम? नहीं केडी सर, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिसे ये टेक्निक सिखाई गई। अच्छा सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने नीरज की हत्या नहीं की, मैं तो सिर्फ अपने भाई का मैच देखने गया था सर। कंट्रोल। एक बार बस एक चांस, फिर मैं उसे इस गुस्से को मैच के संभाल के रख, अच्छा रहेगा। मैच के बाद वो खड़े होने काबिल ना रहे, समझा? वेरी गुड। भाई तुम आरो, तुमने तो अपने भाई को छोड़ दिया लेकिन मैंने नहीं। इस टूर्नामेंट का हर एक मैच देखा है मैंने तुम्हारा। वैसे अच्छा हुआ विनीत तुम आ गए यहाँ पर, तुम्हारा भाई बहुत ही जल्द कराटे चैंपियन होगा। और कराटे सिर्फ चैंपियन बनने के लिए नहीं होता नीरज, और ना ही इसी के लिए ताकि किसी को अपाइज बना दिया जाए। वो होता है तो सिर्फ अपने और दूसरों की सुरक्षा करने के लिए। ये इंडिया विनीत, यह स्पोर्ट्स सिर्फ जीत और तरक्की के लिए, सुरक्षा के लिए नहीं। अब होगा सेमीफाइनल राउंड बिटवीन रोहन शर्मा एंड नितिन बिरजे। सेमीफाइनल्स
सेमीफाइनल राउंड शुरू करने से पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करूंगा एक ऐसे शख्स से जिन्होंने मार्शल आर्ट्स की दुनिया में काफी नाम हासिल किया हुआ है। मैं स्वागत करता हूं जापान से आए कराटे के महागुरु द ग्रेट ग्रैंड मास्टर के रहतो। इसी के साथ रोहन के 3 पॉइंट्स लीड। गुड वर्क रोहन, गुड वर्क। नहीं रोहन, ये तुम क्या कर रहे हो यार? आई मीन तुम्हारा डिफेंस इतना ज्यादा वीक है और तुम अपनी अपर बॉडी को तो प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहे हो। तुम देख लेना, वो नेक्स्ट राउंड में भी बिल्कुल तुम्हें ऐसे अटैक करेगा। रोहन का कोच मैं हूं, तुम नहीं। मैं उसका कोच हूं और जो मैं कहूंगा रोहन वो ही करेगा। दूसरे राउंड से आगे नहीं जाना चाहिए मैच, समझे? कॉन्सेंट्रेट, नाउ गो। रोहन तुम ठीक तो? रोहन, रोहन, तुमसे कहा था ना इससे दूर रहने को। दर्द हो रहा है ना तो सहो, अब जाओ और मैच खत्म करके आओ। कम ऑन, और तुम भी नीत, अभी के अभी यहां से चले जाओ वरना सिक्योरिटी बुला के यहीं से धक्के मार के बाहर निकल पाऊंगा। और ये मैच का आखिरी राउंड, कम ऑन बॉयज। रेफरी, ये खेल है मजाक? व्हाट इज दिस, यू ओल्ड मैन?
को। कराते जान बचाने के लिए है, जान लेने के लिए नहीं। रोहन, जज ने तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया है। पर सर, तुम्हें जो कुछ कहना है कमिटी के सामने कहना है। फिलहाल तुम इस टूर्नामेंट के लिए डिस्क्वालीफाइड हो और आगे 5 साल तक के लिए बैन किए जा सकते हो। सब खत्म हो गया, अब मैं फिर कभी। रोहन रोहन, देखो पहले, सबसे पहले रोना बंद करो। और मैं और नीरज दोनों बोर्ड से अपील करेंगे ना, यू डोंट नीड टू वरी, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। तू फिर यहाँ आ गया, लगता है अब सिक्योरिटी को बुलाना ही पड़ेगा। सिक्योरिटी, आज तेरे वजह से मेरे भाई का करियर खत्म हो गया। अब कराटे क्या होता है ये मैं बताता हूँ तुझे। सर मैं मानता हूं कि उस दिन मेरे और नीरज का झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की है सर। आप प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं निर्दोष हूं। शांत हो जा। अगर तुम निर्दोष हो तो अदालत में मैं तुम्हें निर्दोष प्रमाणित करूंगा। गुड मॉर्निंग मिस्टर पाठक। अरे मेहता साहब, सुप्रभात। इंटरेस्टिंग, आपको मेरा नाम पता है। अब प्रतिद्वंदी के बारे में जानकारी प्राप्त करना तो आवश्यक है ना। वेल, अगर आपको मेरा नाम पता है तो आपको ये भी पता होगा कि मेरे नाम के आगे क्या लगता है। आपके नाम के आगे मतलब? मेरी क्वालिफिकेशन, तरुण मेहता, LLM फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये बात याद रखिए, क्योंकि मिस्टर पाठक अगर आप ये केस हार जाते हैं तो दिल पे मत लीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मेहता साहब, मैं तो आपकी इस दया दृष्टि पर आभार व्यक्त करता हूँ। कि एक छोटा सा कष्ट है मुझे, एक प्रश्न उठा है मेरे मन में। पूछिए। प्रश्न ये है कि वो कौन सा अंक है जिसका आधा शून्य होता है। जज साहब पधार रहे हैं। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये केस काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही विनीत शर्मा, क्योंकि एक कराटे चैंपियन, इन्होंने 21 अप्रैल को नीरज जोशी, जो कि इनके भाई रोहन शर्मा के कराटे मास्टर, उनकी हत्या कर दी। और जरिया था एक कराटे टेक्निक जिसे हम पाइथन फार्म कहते हैं। तुम? ये तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये नीरज जी के मेडिकल रिपोर्ट्स हैं जो साफ साफ कहते हैं कि नीरज जी का दिल और दिमाग एक साथ अचानक काम करना बंद कर दिया, और ये नीरज जैसे हट्टे कट्टे इंसान के केस में इम्पॉसिबल है। लेकिन इसे पॉसिबल किया गया विनीत के उसी टेक्निक ने जिसे हम पाइथन पाम कहते हैं। पाइथन पाम? योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं पाइथन पाम के विषय में अदालत को कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अनुमति है। पाइथन पाम एक ऐसा टेक्निक है जिससे सिर्फ 3 वार में ही इंसान मारा जा सकता है। पहले वार से दिल और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं, दूसरे वार से उन्हें जोड़ती हुई नसें फूल जाती हैं, और तीसरा और आखिरी वार जिसे ब्रेन डेड एंड हार्ट फेल, एक साथ। किरोनर, इस विषय में एक प्रश्न मैं मेहता साहब से करना चाहता हूँ। मेहता साहब, क्या उस वॉशरूम जिसकी बात आप कर रहे थे, वहाँ CCTV कैमराज लगे हुए थे? पाठक साहब, ये आप भी जानते हैं कि इस वॉशरूम में कहीं पर भी CCTV कैमराज नहीं लगे।
हाँ जानता हूँ, इसलिए तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे थे तो फिर ये कहानी आप योर ऑनर मेहता साहब अपनी ही मनगढ़ंत कहानी अदालत को सुना रहे थे, जबकि सत्य तो ये है कि विनीत वहाँ शौचालय गए जहाँ उन्होंने नीरज को फर्श पर पड़ा हुआ पाया, उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे और तभी नीरज की मृत्यु हो गई। सहायता नहीं मिस्टर पाठक, विनीत वहां पर नीरज की हत्या करने गया था। क्यों करेगा हत्या? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि यूं ही तो कोई किसी की हत्या नहीं करता। कोई मकसद, कोई कारण, कोई मोटिव तो होगा। है आपके पास ये मोटिव? आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं मिस्टर पाठक कि डायरेक्टली रोहन के भाई? अब बड़े बसूची हूँ मिस्टर मेहता। रोहन शर्मा, रोहन अदालत को विनीत और नीरज के बारे में कुछ बताओ। योर ऑनर, नीरज सर से पहले मैं अपने भाई का ही स्टूडेंट था। 8 साल तक मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, लेकिन फिर तुम विनीत के भाई हो ना? जी। पिछले टूर्नामेंट में तुमने काफी अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू सर। वैसे क्या जिंदगी भर ऐसे ही छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स करते रहोगे और इस छोटे से कमरे में बिना फैसिलिटी के ऐसे ही मेहनत करते रहोगे या बड़े सपने भी देखते हो? काउचिंग टाइगर मार्शल आर्ट्स अकेडमी, कभी इस छोटे कमरे से बाहर निकलना हो मेरे भाई से दूर रह, समझा? उसके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगा, तू नहीं। और फिर तुमने अपने भाई को छोड़ दिया? मुझे छोड़ना पड़ा, अगर नहीं छोड़ता तो मैं समझ सकता हूँ रोहन, अगर तुम अपने भाई के साथ रहते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें भी कराटे के कुछ गलत टेक्निक सिखा देता जिससे तुम किसी निर्दोष की जान ले ले। गलत इस्तेमाल मैं नहीं, वो नीरज करता था और मुझे ये बात अच्छे से मालूम थी, इसलिए मैं चाहता था कि मेरा छोटा भाई रोहन उस नीरज से दूर रहे। योर ऑनर, ये आप साफ साफ देख सकते हैं कि विनीत के मन में नीरज के लिए कितना गुस्सा। अब मुझे और कुछ साबित करने की जरूरत है? अभी बहुत कुछ साबित करने की आवश्यकता है मेहता साहब। योर ऑनर, अगर इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीरज की मृत्यु में कई संदिग्ध पाए जाएंगे, क्योंकि नीरज एक सफल मार्शल आर्ट स्कूल चलाता था और इस क्षेत्र में उनके कई प्रतिद्वंदी थे जो असफल थे। जो मिस्टर पाठक, मुझे पता है कि आप कुछ ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि इस केस के पहले मैंने आपकी भी केस हिस्ट्री पढ़ ली है। हाँ योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करने जा रहा हूं जो इजिली साबित कर देगा कि विनीत ही नीरज का हत्यारा है। नीरज की टीम की फिजियोथेरेपिस्ट मिस नीना मित्रा। योर ऑनर, उसके बाद विनीत और नीरज के बीच झगड़ा हो गया और फिर तेरी वजह से मेरा नाम खराब हो गया रोहन। फिर अब कोई भी स्टूडेंट आज तक हारा नहीं है, तू तो डिस्क्वालीफाई हो गया। निकल जाए यहां से, निकल जाए यहां से। उसके बाद मैंने नीरज को ट्रीटमेंट दी और फिर वो लॉकर रूम से बाहर चला गया और उसके कुछ ही देर बाद विनीत भी वहां पर आ गया। नीरज का है? देखो विनीत, तुम अभी गुस्से में लग रहे हो, अच्छा होगा कि यहां से चले जाओ। मैंने तुमसे क्या पूछा है? तुम यहां से जा रहे हो या मैं फिर से गार्ड्स को बुलाऊं? देखिए, मेरे और नीरज के बीच में जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपस में लड़ने से अच्छा अगर हम रोहन के करियर पे ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा होगा, और इसीलिए मैं उससे बात करने गया था। करियर के लिए नहीं मिली, करियर के लिए नहीं, तुम वहां पे नीरज का कत्ल करने गए थे। यू वांटेड टू किल हिम। जब तुमने उसे लॉकर रूम में नहीं देखा तो तुम वॉशरूम में गए,
और वहां पे तुमने नीरज को पाया और उसकी हत्या कर दी। You have murdered him. You are a bloody murderer. I object, Your Honor. मेहता साहब मेरे मुवक्किल पर दबाव डाल रहे। तो पार्टनर, क्या आप नीरजा जी से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी नहीं Your Honor. तो Your Honor, मेहता साहब इस केस को उल्टी ही दिशा में ले जा रहे हैं। इसे उचित दिशा में लाने के लिए मैं ग्रैंड मास्टर श्री हितों को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। इजाजत है। Your Honor, केडी साहब कहाँ कहाँ से विटनेसेस ला के हमारा टाइम वेस्ट कर। मिस्टर किरी तो टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट थे, उनका इस केस से क्या लेना देना है? लेना देना है Your Honor, सर्वप्रथम मैं अदालत से इनका परिचय करा। ये ग्रैंड मास्टर किरी तो हैं, जापान से आए हैं। अखिल भारतीय कराटे स्पर्धा में इन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है। मैंने भारत सरकार से मांग की है कि जब तक इस केस का निर्णय नहीं हो जाता, इन्हें भारत से वापस जापान न जाने दिया जाए। Your Honor, मिस्टर केडी कहां कहां से विटनेसेस ला के एक सिंपल से केस को बहुत कंफ्यूजिंग बना रहे हैं। He's just wasting our time. Your Honor, इस स्तर पर मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि ग्रैंड मास्टर किरी ही तो इस केस में न केवल साक्षी है बल्कि आरोपी भी हो सकते। क्योंकि हत्या का औजार पाइथन पाम, जिसका उल्लेख मेहता साहब ने इस अदालत में किया है, किरी तो साहब इस पाइथन पाम में माहिर है और इनसे निपुण इस विश्व में और कोई नहीं। केवल इतना ही नहीं Your Honor, स्पर्धा के समय इनका नीरज के साथ झगड़ा भी हुआ था, ये उनके पीछे पीछे वॉशरूम तक भी गए थे। Your Honor, मेरे मुवक्किल, मुझे कुछ बोलना है। प्लीज बोलिए। पाइथन पाम मेरे अलावा यहाँ किसी और को भी आता है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। विनीत जानता है, मैंने उसको सिखाया। Order, order. Silence, please. क्या कहा आपने मिस्टर किरी होटो? विनीत को पाइथन पाम आता है। अब विनीत से ही पूछ लीजिए। विनीत बोलो, क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? विनीत, क्या ग्रैंड मास्टर किरी तो सच कह रहे हैं? तुम्हें आता है पाइथन? मिस्टर पाठक, मुझे पाइथन पाम आता है। Order, order. Silence, please. KD सर, मैं मानता हूँ कि मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिसे ये तकनीक सिखाई गई, लेकिन सर मैंने आज तक इस तकनीक का गलत इस्तेमाल नहीं किया सर। क्यों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो मिस्टर विनीत? तुम्हें पता है कि आज तुम्हारे एक झूठ की वजह से मिस्टर पाठक का 100% सक्सेस रिकॉर्ड खत्म होने जा रहा है। मेरे रिकॉर्ड की चिंता आप न करें, वो मैं स्वयं ही संभालूंगा। ग्रैंड मास्टर KD, तो आप मुझे ये बताइए कि क्या विनीत के अतिरिक्त इस देश में और भी लोग हैं जिन्हें ये पाइथन पाम आता है? तीन लोग हैं जिन्हें मैंने पाइथन पाम सिखाया है। तीन और व्यक्ति हैं जिन्हें आपने स्वयं सिखाया है? Your Honor, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो तीनों व्यक्ति इस केस में संदिग्ध बनते हैं। Your Honor, मिस्टर पाठक मानते हैं कि उस टूर्नामेंट के दौरान तीन में से कोई एक शख्स वहां पे था, तो फिर मिस्टर पाठक का क्लाइंट विनीत झूठ क्यों कह रहा है कि उसे पाइथन पाम नहीं आता है? क्या क्या वजह है इसकी? मैं डर गया था Your Honor, इसीलिए मैंने झूठ बोल दिया। लेकिन अब मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने नीरज का कत्ल नहीं किया। मैं किसी को मार ही नहीं सकता। मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकता Your Honor। विनीत, तुमने ही नीरज को मारा है। यू हैव किल्ड नीरज। ये अदालत ग्रैंड मास्टर किरी को जब तक इस केस का फैसला नहीं आता,
तब तक शहर से बाहर न जाने की हिदायत देती है और साथ ही पुलिस के लिए भी हुक्म जारी करती है कि अगली सुनवाई तक वो बाकी तीन संदिग्ध जो हैं उनका भी पता लगाए। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। यह केडी, कराटे की सारी बुक्स जो तुमने ऑर्डर की थी, अब तो तुम कराटे में एक्सपर्ट हो गए होंगे ना, इतना सारा बुक्स पढ़ पढ़ के। अरे बिली, अगर पुस्तक पढ़ के लोग एक्सपर्ट बन जाते तो दुनिया के आधे लोग आज ब्लैक बेल्ट होते। हाँ सर। हाँ, क्या कोई खबर लाया? जी हाँ सर, टीम में से एक का नाम है अभिजीत सर। स्ट्रोक की वजह से अभिजीत की आधी बॉडी पैरालाइज। सर दूसरे का नाम है जयदीप सिंह, आर्मी मैन है, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया, तो उसने मिलने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, सिंह साहब को अदालत में बुला लेंगे, वहीं भेंट हो जाएगी। और तीसरा? सर तीसरे आदमी का नाम है जोहे टायर वाला, लेकिन उसका मामला थोड़ा अजीब है। क्यों? सर कुछ महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, लेकिन हैरत की बात यह है कि आज तक पुलिस को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। अच्छा, योर ऑनर, अभिजीत साहब और मेजर जयदीप के साथ साथ एक और व्यक्ति है जो संदेह के घेरे में, जोहेर टायर वाला। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसका शव पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ, इसी कारण मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि जोहेर टायर वाला को भी संदिग्ध व्यक्तियों की सूची में रखा जाए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लेकिन मिस्टर पाठक अपने क्लाइंट को बचाने के लिए एक मरे हुए इंसान को मर्डर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। योर ऑनर, प्रयास तो अवश्य करूंगा, आपकी अनुमति हो तो मैं साहब को कटघरे में बुलाकर प्रश्नोत्तर करना। योर ऑनर, मिस्टर पाठक कई चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कि मिस्टर ताह के कंडीशन। मेहता साहब, आपको बड़ी सहानुभूति हो रही है साहा साहब के साथ, ये निर्णय आप अदालत को ही करने दीजिए। योर ऑनर। सर साहब, क्या आप? इट्स ओके योर ऑनर, मुझे आने में कोई आपत्ति नहीं। सर्वप्रथम तो क्षमा प्रार्थी हूँ मैं आपका साहा साहब कि आपको इस अवस्था में कष्ट दिया, किंतु कष्ट देना आवश्यक था। ये बताइए कि 21 अप्रैल जिस दिन ये स्पर्धा हो रही थी, कहाँ थे आप? आप मेरी कंडीशन तो देख ही सकते हैं, और मैं घर से बाहर भी कम ही निकलता हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है 21 अप्रैल की रात को भी मैं घर पर ही था। योर ऑनर, आपकी मेज पर घटनास्थल के स्थिरचित्र रखे हैं, शौचालय का फर्श गीला था जिस कारण से अनेक व्यक्तियों के पद चिन्ह पाए गए, केवल इतना ही नहीं साथ साथ में एक व्हील चेयर का निशान भी पाया गया। मुझे पूरा विश्वास है साहब साहब कि आप ही का व्हील चेयर था, अभी जैसे कि हमें मेहता साहब ने बताया शौचालय के अंदर तो सीसीटीवी कैमरा था नहीं, किंतु बाहर था। आप कहें तो वो फुटेज में मंगवाऊँ, देखूँ कि आप अपने व्हील चेयर पर बैठ कर शौचालय में गए थे या नहीं। तुम यहां कैसे? हाँ, मैं उस दिन वहीं था और बाथरूम भी गया था अपनी व्हील चेयर पर। लेकिन ये सब बातें नीरज की मौत से पहले की बात है, और मैंने उसे नहीं मारा। मारा ही नहीं तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि आप वहां गए नहीं थे अपने घर पर? एक्चुअली मैं घबरा गया था मिस्टर पाठक। योर ऑनर, चलिए मान लेते हैं कि मिस्टर साहा ने फोन किया है, लेकिन इसके पीछे का मोटिव क्या है? नहीं, मोटिव है मेहता साहब, मोटिव है, और मोटिव वही है योर ऑनर जिस मोटिव के आधार पर मेहता साहब मेरे मुवक्किल को दोषी ठहरा रहे। साहा साहब, आपका भी तो बहुत ही प्रसिद्ध मार्शल आर्ट स्कूल हुआ करता था, अनेक छात्र हुआ करते थे, दुर्भाग्यवश आपको जब लकवा मार गया तो आपके सारे छात्र आपको छोड़कर नीरज के स्कूल में चले गए, क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है साहब साहब कि इस बात का दुख आपको आज तक होता है? हाँ मिस्टर पाठक, हाँ, मैं नीरज से नफरत करता था, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, किसी भी इंसान पर पाइथन पाम का इस्तेमाल करने के लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है कि आपने पाइथन पाम को अच्छे तरीके से समझा नहीं है, लेकिन आपका क्लाइंट विनीत आपको अच्छे तरीके से समझा सकता है।
अगर आपको घोर आपत्ति ना हो मेहता साहब, तो यही प्रश्न मैं मेजर जयदीप से पूछूं। बताइए मेजर साहब, 21 अप्रैल को आप कहाँ थे? मिस्टर पाठक, मैं ये बात पुलिस को भी बता चुका हूँ, पर मुझे हर बात बार बार दोहराना अच्छा नहीं लगता। योर ऑनर, मैं 21 अप्रैल की रात दिल्ली के कैंटोनमेंट एरिया में। मेजर साहब, या तो आप जो बोल रहे हैं वो सच है, या फिर जो ये सूची बोल रही है। देखिए, 21 अप्रैल को आपने एस एयरलाइंस के फ्लाइट नंबर CF989 से यात्रा की थी आपने, तो फिर आप दिल्ली कैंटोनमेंट में कैसे पहुंच गए, कुछ बता सकते हैं आप इस विषय पर रोशनी? मेजर साहब, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मेजर जयदीप को फौरन मेडिकल हेल्प दी जाए। योर ऑनर, मेजर जयदीप इस केस की बहुत ही अहम कड़ी है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाने तक इस केस को यहीं स्थगित किया जाए। इस अदालत की कार्रवाई मेजर जयदीप के स्वस्थ होने के बाद फिर से जारी की जाएगी। तब तक के लिए द कोर्ट इज एडजर्न। हाय सर, केडी सर, केडी सर, सर आर यू ओके? मुझे तो लगा कि आप रिलैक्स होंगे। नहीं, केस तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया ना सर। जयदीप सिंह नहीं मारा नीरज, और अब पकड़ा गया तो कोर्ट में ड्रामा कर रहा है सर। कितनी बार तुझे समझाया, तुरंत ऐसे नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होता। देख, हो सकता है उसने मारा हो इसीलिए ढोंग कर रहा हो, ये भी हो सकता है कि उसकी उसके इस ढोंग के पीछे कोई और ही मतलब हो सकता है कुछ और ही छिपा रहा हो, क्योंकि अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। तो हो सकता है इस केस में भी जो दिख रहा है वैसा नहीं है, जो है वो दिख नहीं रहा। वो देखने के लिए तुझे मेजर जयदीप के अतीत में देखना होगा, क्योंकि 100 बात की एक बात, वो घटनास्थल पर उपस्थित था। पता कर उसके पास्ट के बारे में, पता कर। हाँ, मैं अभी ऑफिस से निकला, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करता हूँ। या ओके बाय। एक्चुअली मैं आपसे एक ज़रूरी बात करने आया था सर, लेकिन वहाँ पर आपके असिस्टेंट वरुण ने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, इसलिए मुझे भी उस पर पलटवार करना पड़ा। दरअसल 21 अप्रैल की रात मैं मुंबई में ही। योर ऑनर, पिछले 3 महीनों से मुंबई के स्टॉक हॉस्पिटल में मेरा गुप्त रोग का एक इलाज चल रहा है, और मैं इस बीमारी के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता, और यही बात करने में मिस्टर पाठक के ऑफिस गया, लेकिन वहाँ कुछ और ही हो। और मिस्टर वरुण पे मैंने नॉर्मल कराटे मूव यूज़ किए, पाइथन पाम का एक स्टेप भी मैंने यूज़ नहीं किया। मिस्टर पाठक, रेजर ने तो साफ साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने पाइथन पाम का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, यो सो कॉल्ड 3 स्टेप्स ऑफ पाइथन पाम, तो फिर बचा कौन? विनीत। विनीत ही असली कातिल है। योर ऑनर, मेहता साहब जो 3 स्टेप्स की बात कर रहे हैं वो मैं अदालत को विस्तार में समझाना चाहूँगा। वास्तव में पाइथन पाम के 3 अंश होते हैं,
किसी व्यक्ति को मारने के लिए तीनों अंश का उपयोग करना आवश्यक। योर ऑनर, एडवांस फोरेंसिक रिपोर्ट ये कहती है कि जब मेरे मुवक्किल विनीत उस शौचालय में पहुंचे, किसी व्यक्ति ने नीरज पर पाइथन पाम के पहले दो अंश का उपयोग कर दिया था, केवल तीसरा बाकी था। जब विनीत वहां पहुंचे और इन्होंने नीरज की सहायता करने का प्रयास, तो भूल से और इनके हाथों से वो नस दब गया जो नस पाइथन पाम के तीसरे अंश में दबाया जाता है, और उनकी मृत्यु हो, जबकि उन्हें मारना नहीं चाहते थे, केवल उसकी सहायता करना चाहते थे। लेकिन बात यहाँ ये है कि वो व्यक्ति कौन है योर ऑनर जिसने नीरज पर पाइथन पाम के पहले दो अंश का उपयोग किया था उसे मारने की उद्देश्य से, उसकी हत्या करने के उद्देश्य। Order, order. Silence in the court, please. क्या मिस्टर पाठक, मैंने नीरज पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया। देखिए, वहां उपस्थित सारे व्यक्तियों के अनुसार नीरज और विनीत के बीच हाथापाई हुई, झगड़ा हुआ, फिर आपने नीरज को फिजियोथेरेपी दी थी। अब वो तो विनीत की वजह से नीरज को जो चोट लगी थी, मैं बस उसे ही ठीक कर रही थी चाचा। वहाँ उपस्थित दर्शकों ने यह बताया कि नीरज को पेट पर और मुंह पर चोट लगी, तो फिर आप उन्हें यहाँ कोहनी पर और गर्दन पर फिजियोथेरेपी दे रही थी, क्या कारण? क्योंकि मिस्टर पाठक, मैं उसकी फिजियो, आप नहीं, और उस वक्त मैंने वही किया जो करना चाहिए था। झूठ बोल रहे हैं आप। योर ऑनर, इन्होंने ही पाइथन पाम के पहले दो अंश का उपयोग करके नीरज की हत्या करने का प्रयास किया। योर ऑनर, क्या मुझे पाइथन पाम कैसे आ सकता है? मुझे तो कराटे तक नहीं आता। नहीं, आपको नहीं आता पाइथन पाम, लेकिन आपके भाई को तो आता है। ये आप क्या? भाई? किसका भाई? कौन सा भाई? आप साबित कीजिए प्लीज। बताता हूं योर ऑनर, ऐसा ही होता है अक्सर। हम ढूंढते कुछ हैं और मिलता कुछ है। जैसे कि मैंने पिछली सुनवाई में कहा था, अभिजीत साहा पर मेरा संदेह था। जब उनके अतीत में देखा तो पता चला कि उनकी कोई बहन है जो फिजियोथेरेपी में बहुत ही निपुण है, और जब इनके अतीत में झांका तो ये पता चला कि ये ही है अभिजीत साहा की बहन। अभिजीत साहा से इन्होंने पाइथन पाम के तीनों अंश सीखे, और अपने भाई अभिजीत साहा का बदला लेने के लिए इन्होंने उस दिन पाइथन पाम का उपयोग किया जिस कारण नीरज की मृत्यु। क्या मैं सही कह रहा हूँ मीना? क्या सही कह रहा हूँ? मैंने नीरज के शोल्डर को ठीक करने के बहाने उस पर पाइथन पाम के दो मूव्स किए। मैं तीसरा मूव करने ही वाली थी कि नीरज वहां से उठकर चला गया। मैंने सोचा कि मैं उसका पीछा करती हूँ कि अचानक वहां पर विनीत आ गया, तो मुझे लगा कि अब मैं सारा काम विनीत पर छोड़ देती हूँ, क्योंकि मैंने पाइथन पाम के जो दो मूव्स किए थे उसके बाद नीरज का शरीर 15 मिनट में ही पैरालाइज होने वाला था। तो विनीत जैसे ही वो देखेगा तो उसे बचाने के चक्कर में उसे उठाने जाएगा, और नीरज के गर्दन की नस टूट जाएगी और वो मर जाएगा, और ऐसा ही। Order, order, silence in the court. मीना जी, बहुत बड़ी भूल कर दी आप। ये कला तो आत्मसुरक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा करने के लिए बनाई गई, लेकिन आपने इसका उपयोग किया किसी की हत्या करने के लिए। योर ऑनर, द डिफेंस बेस्ट। यह अदालत डॉक्टर नीना साहा को नीरज जोशी के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है, और विनीत शर्मा को निर्दोष पाते हुए
इस केस से बाइज्जत बरी कर दी है। द केस इज क्लोज्ड। गुड वर्क मिस्टर पाठक। अरे मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार मानता हूँ, लेकिन एक देखिए वो रह गया, मैं भूला नहीं हूँ, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। आपसे बड़ी अपेक्षा थी कि आप दे ही देंगे उत्तर। मिस्टर पाठक, आप अपने सवाल का खुद ही जवाब दे देंगे तो अच्छा होगा। आठ नंबर, अरे किडिंग, आठ का आधा चार होता है। नहीं नहीं, वैसे देखा जाए तो, अगर ऐसे देखा जाए तो नहीं होता। वो होता क्या है कि कभी कभी हम देखते कुछ और है, पाते कुछ और है, होता कुछ और है, ऐसा होता नहीं। देखिए आठ नंबर है, आठ का आधा उड़ा दो तो नीचे का तो शून्य वचन है कि नहीं। अभी बात तो है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।